असलम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजर गई होगी आप सबको मेरी तरफ से लेट ईद मुबारक क्योंकि मैं ईद का ब्लाग जो है ना लेट शेयर कर रही हूँ ईद वाले दिन मसरूफियत ही इतनी होती है और आज का जो ब्लाग है ना ये चांद रात का और ईद का कम्बाइंड बलौद है ईद वलौद जो वॉइस ओवर करने लगा अजीब अजीब सी बातें निकलती चांद रात का और ईद का जो है कम्बाइन ब्लॉग है तो मैंने जो है ना वो लास्ट जब रोजा होता है तो फिर इंसान कहता है कि इतना कुछ जो है ना वो बनाने की ज़रूरत नहीं है मैं इम्तियाज गई थी ग्रॉसरी के लिए और मैं वहाँ से जो है ना टेंडर पॉप्स ले आई थी और साथ ही टोटिया रैप ले आई थी तो मैंने कहा इसी से जो ना आज इफ्तार करेंगे उसके बाद और भी बहुत सारे काम होते हैं मेहंदी लगानी है फिर स्वीट डिश बनानी है स्वीट डिश मैंने डे टाइम में इसलिए नहीं बनाई थी कि मैंने कहा मेरा रोजा है मुझे शुगर का पता नहीं चलना चीनी कितनी ज़्यादा डालनी है या कम डाली क्योंकि चेक तो करना पड़ता ही है ना तो बस ये रैप्स में जो है ना मैंने बाज़ार के टेंडर पॉप्स में फ़्राई करके लगा दिए बाकी मैंने इसमें जो है मायो और साथ थोड़ी सी जो है ना पेरी पेरी सॉस लगा दी है और अफ्तार में जो बाकी मैंने साथ फ्रूट चाट बनाई थी तो इसके साथ मैंने जो है ना मेरे पास ग्लास भी कम थे और कप वगैरह भी कम थे तो मैंने मेट्रो भी जाना था और ये मेट्रो में डे टाइम में गई थी ये वैसे और मैंने पार्लर भी जाना था ये मेट्रो और पार्लर दोनों डे टाइम में गई थी और ये अफ्तार से पहले की जो क्लिप्स है ना ये मैंने शायद बाद में ऐड कर दी हैं तो मैं और मेरी फ्रेंड जो है ना हम लोग पार्लर गए थे मैंने मैनी पेडी और फेशियल वगैरह लेना था तो वैसे भी जो है ना ईद पे डील चल रही होती है लेकिन रश इतना ज़्यादा होता है कि बुकिंग ही नहीं मिलती तो फिर हम लोग जो है ना वो तीन बजे गए थे बुकिंग का हमारा टाइम तीन बजे का ही था और फिर लेकिन हमें इफ्तार से पहले जो है ना वो मैं दस मिनट पहले ही आई हूँ और मेरी फ्रेंड तो फिर बाद में आई और उसके बाद हम लोग जो है ना ये मेट्रो भी गए थे मेट्रो से मैंने जो ना बर्तन लेने थे लेकिन मैंने फिर लिए नहीं है बर्तन और ये वाले बर्तन मैं बाद में फिर इम्तियाज़ से कप लेके आई हूँ और कुछ मैंने बर्तन जो है अलफते से लिए हैं ये वाले कप बहुत अच्छे थे सिक्स थाउजेंड का ये मुझे मिला है पूरा जो सेट है इसमें सिक्स कप है और साथ ही जो आपको गोल्डन रैक नज़र आ रहा है ना ये भी इसके साथ ही स्टैंड है इसका कप्स का और इसके साथ जो सॉसर और कप इंक्लूडिड है साथ प्लेट्स नहीं है ये वाले सॉसर हैं और ये ग्रे कलर है ये थोड़ा सा लाइट नज़र आ रहा है लेकिन ये डार्क है इससे थोड़ा सा और ये बहुत ही मुझे स्टाइलिश अच्छे लगे थे इनके साथ स्टैंड का भी चलो फायदा है कि इन इन स्पेस हो जाती है में और वैसे भी अगर आपने किसी के साथ सर्व करना है ना तब भी आप स्टैंड पे इस तरह सामने रख सकते हो जैसे आप मतलब स्लैब के ऊपर किचन की स्लैब के ऊपर भी इस तरह रख सकते हो तो फिर मैं जो है ना वो मैंने कस्टर्ड बनाना शुरू कर दिया था अफ्तार के बाद और ये मिक्स ही ब्लॉग क्लिप्स हैं वो इतनी मसरूफियत में ना पता ही नहीं चलता है कि क्या रिकॉर्ड किया क्या नहीं किया तो इसलिए जो है ना वो मिक्स हो जाते हैं सारे क्लिप्स कोई मैं डे टाइम में कहीं गई थी कहीं मैं रात को गई थी तो बस मैंने इसीलिए मिक्स मक्सी ब्लॉग आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैंने जो कस्टर्ड है ना उसमें मैंने अभी डाला है ये थ्री के लीटर जो है दूध है क्योंकि मेहमान जो है तकरीबन सारे हमारे घर ही आने हैं दो तीन फैमिलीज डे वन पे तो और इसमें मैंने जो है ना वो कस्टर्ड एक लीटर में मैं दो बड़े सारे दो टेबल स्पून भर के जो है ना वो कस्टर्ड डाल दी और फिर उसके बाद मेरी सिस्टर आ गई थी और मेरी कज़न आ गई थी वो चांद रात वैन कुछ मेहंदी वो बाहर से लगवा के आई थी और कुछ जो है वो मैंने मैं भी लगा लेती हूँ मेहंदी ये तो वो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली में मैं लगा रही हूँ और जो पहले मैंने आपको उल्टे हाथ पे सर्कल सा बनाया हुआ दिखाया ना वो भी मैंने ही लगाई है अपनी भी मैंने लगा ली थी टूटी फूटी सी खुद तो मेरे से एक हाथ पे लगती है और राइट हैंड से जो है ना वो लेफ्ट से फिर राइट पे नहीं लगती और ये जैनब अपना दिखा रही थी जैनब ने भी बाजार से लगाई थी बाजार में बहुत ज़्यादा रश था तो और लेकिन ये उन्होंने दो दो हाथों पे साढ़े सात सौ की लगाई है इतनी महंगी तो फिर वो जो है ना थोड़े एक एक हाथ पे लगवा के आ गई और फिर फिर हमारी तरफ आ गई थी तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ वैसे जो है ना वो काम करना होता है मेहंदी फिर लगा के इतनी देर बैठा भी नहीं जाता है इसलिए मैं अपनी जो है वो लेट लगाती हूँ और ये मैं मैंने ये मेहंदी लगाई बस देख लें आप किस तरह का डिज़ाइन बनाया मैंने मैं डिटेल्स आगे दिखाती हूँ उसको कहती हूँ कि नज़दीक करें तो फिर वो देख लीजिएगा आप और ये देखें ये इस हाथ पे मैंने इस तरह लगा दी और ये उल्टी साइड पे भी मैंने ही लगाई है ये वाली वो बाज़ार से लगवा के आई थी और फिर यहाँ पर बच्चे जो अब मिल जाते हैं ना तो दो तीन फैमिलीज़ के तो फिर इतना ही शोर करते हैं ये ना ऊपर लगा हुआ है टाइप लगा हुआ है हमारे तो उसमें डिफरेंट लाइट्स हैं ब्लू रेड और ये लोग ना ये अभी मैंने आपको इसमें म्यूज़िक चल रहा था इसलिए कापी की वजह से मैंने यहाँ साउंड जो है ना वो बंद कर दी वर् मैं उनकी हरकतें आपको दिखाती है कि किस तरह ये साथ म्यूज़िक और साथ ही ड्रोनी ड्रोनी से आवाजें निकाल रहे थे तो मेरा हमारा जो ईद डे वन पे प्लान था वो बारबेक्यू का भी था और साथ जो है सालन भी बनेगा तो मैं यहाँ पर जो है ना ये मैरिनेशन करने लगी हूँ बीफ की और साथ जो है चिकन का बारबेक्यू होगा विंग्स विंग्स जो होते हैं उनका और मटन का सालन होगा इसको ना मैंने रात को मैरिनेट करके रखना है अदरवाइज़ ये अगले दिन जो है ना ये कुक नहीं होगा फिर जब हम इसको सीखों पर लगाएंगे ना और इसमें मैंने अदरक लहसन का पेस्ट दो चम्मच भर के डाल दिया और साथ मैंने कचरी पाउडर डाला काफ़ी सारा और साथ सिरका डालूंगी नमक डालूंगी और अजवाइन डालूंगी बीफ का अपना टेस्ट बहुत अच्छा होता है बीफ या मटन जो भी होता है उसमें आप जो है ना तिक्के मसाले वगैरह ना डालो सिर्फ जो नमक और कचरी पाउडर और दही डाल दो थोड़ा सा और सिरका तो इससे जो ना सिर्फ नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आपने डालना ही है ना तो बाद में थोड़ा सा चाट मसाला डालो या कोई सॉस साथ ले लो और साथ मैंने जो है ना वो ये रेड रेड ये जो मल्टी कलर की पास्ता सवैया होती हैं ये भी मैंने कस्टर्ड में डालनी है क्योंकि ये मैंने ट्राइफल टाइप बनाना है और इनको मैंने ठंडा करके ना अब मैंने फ्रिज में रख दिया बाद में फ्रूट जो है वो बाद में कल डालूंगी तो यहाँ से जो है ना नेक्स्ट डे का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज ईद का दिन है और इतना अच्छा मौसम था ना आज बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था सर बारिश भी हो रही थी आठ बजे ईद की नमाज पढ़ने जाना था मैं तराबियाँ तो पढ़ने जाती रही हूँ लेकिन ग्रैंड जाम मस्जिद में जाती थी लेकिन ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं गई क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है ना वो गाँव चली गई है मैंने कहा अकेली अब मैंने क्या जाना है और मेरे हस्बैंड जो है इधर पास ही मस्जिद है उधर चले गए थे और ये मेरा ईद का ड्रेस है मैंने डिटेल से आपको तबीन लाइफ स्टाइल पर शेयर किया हुआ है यहाँ पर इसके जो है ना फिटिंग लाइन के ऊपर ये लेस लगाई हुई है मैंने नीचे तक ऊपर से शुरू होकर नीचे दाम ये चाक तक और नीचे वाली साइड पे ये डिज़ाइनिंग की हुई है इस तरह की ये मसूरी का ड्रेस है और मैंने खाड़ी से लिया था और इसके ट्राउजर के ऊपर भी मैंने मल्टी कलर ये जो रस्ट कलर है ना उसकी लाइनें लगाई हैं और दुपट्टा इसका रस्ट कलर का है और साथ ये वाली ज्वेलरी जो है ना ये मैंने दराज से मंगवाई थी मैंने आपके साथ पहले एक व्लॉग में शेयर किया था ये भी काफ़ी अच्छी ज्वेलरी निकली है और साथ रिंग्स थी और ज्वेलरी थी फिर यहाँ पर देखें ग्रैंड जामिया मस्जिद जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है मेरी जो कज़न है ना उन्होंने हमें नाश्ते पर बुलाया था तो हमने ईद की नमाज़ पढ़ के उनकी तरफ नाश्ते पर जाना था मेरी एक्चुअली जो मेरी कज़न और मेरी सिस्टर है ना वो एक ही घर में शादी हुई है उनकी यानी कि वो दरानी और जेठानी है तो जो है ना मेरी कज़न व मेरी फूफो की बेटी भी है तो वो उन उसने नाश्ते पे हमें मॉर्निंग में बुलाया हुआ था तो न, और फिर हम लोग अभी उधर ही जा रहे हैं और मौसम देखें बहुत अच्छा हुआ नाश्ते पे काफ़ी अहतमाम था फिर दोपहर को जो है ना वो लंच मेरी जो ससुराल वाले हैं ना उनका हमारी तरफ था और उसके बाद जो रात को डिनर जो है ना वो मेरी सिस्टर की तरफ था बस ईद के तीन दिन जो है ना हम लोगों ने इतना खाया है ईद ईद का मतलब डे वन पे भी और टू, डे टू तीनों दिन ही रोज़ों में आप जो रोज़ों के बाद एकदम जब खाते हो ना तो एक तो आपका स्टमक भी थोड़ा अपसेट हो जाता है लेकिन अब देखें सुबह दोपहर शाम लंच डिनर जो है ना वो किसी ना किसी के घर होता ही है और यहाँ पर जो है ना अभी मैं हम लोग नाश्ता करके वापस आ चुके हैं तो यहाँ पर मैंने आ, नेबर्स में कुछ जो है ना वो ये ट्राइफल जो मैंने बनाया उसको देना था तो मेरे हस्बैंड वही यहाँ पर डेकोरेट थोड़ा बहुत कर रहे थे थे वो मैंने कहा दे देती हूँ नेबर्स में और फिर जो डे टाइम में बारहवीं हुआ मौसम शुक्र करें अच्छा था अदरवाइज़ अगर मौसम धूप होती ना तो फिर बारबिकुन नहीं होना था लेकिन बारिश हो रही थी तो मौसम अच्छा था तो ये वाला सीजलर जो है ना ये मैं अलफ़ेह से लाई थी इसके अलावा अलफते से और जलालसन से मैं एक जो है ना वो ट्राइफ़ल का जो बॉक्स है ना वो भी लाई थी तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखा दूंगी मैंने सिर्फ आपको कप दिखाए हैं और यहाँ पर अब रात हो गई है अब हम लोग जो है ना वो डिनर के लिए अपनी सिस्टर की तरफ आ चुकी हैं इसने भी जो है ना साथ वाइट राइस थे और मटन था और साथ बीफ का जो है ना वो रोस्ट किया किया हुआ था तो डे टू डे पे मैंने ना व्लॉग नहीं किया था एक तो हम लोग अब अप, मैं अपने ससुराल में गई हुई थी वहां पर मैं मैंने व्लॉग नहीं किया फिर रात को मेरी सिस्टर और मेरी कज़न मेरी तरफ आई हुई थी बारहवीं हुआ था तो अब ये आज का व्लॉग है आज डे थ्री है तो मैं हम लोग जो है ना यहाँ पर ग्रैंड ये होटल है वहाँ पर हम लोग एक शादी अटेंड करने के लिए नकाह का फंक्शन था मेरे हस्बैंड है उनके फ्रेंड की बेटी थी तो हम लोग वहाँ आए हुए हैं तो इसके बाद जो है ना वो अब रात अब्दुल्ला को मैंने नहीं लेके आई थी वो अपनी खाला की तरफ गया हुआ बच्चों ने कहीं आउटिंग पे जाना था तो मेरी सिस्टर कह रही थी उसको इधर ही छोड़ जाए तो आज का व्लॉग मैं बस यहीं पर एंड कर रही करी हूं। अगर अभी रात को कोई प्लान बना तो अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी अपना ख्याल रखिएगा मिलेंगे अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़